लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नीरचौक में मंडी व कुल्लू जिला के शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शहरी आवास मंत्री सरवीण चौधरी ने की। अपने संबोधन में चौधरी ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने तथा शहरी गरीबों के उत्थान तथा विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिसमें स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, सीवरेज योजना तथा पार्किंग व्यवस्था इत्यादि प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 के लिए शहरी विकास विभाग को 487 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि शहरी निकायों में 14 जूनियर तथा 37 सफाई निरीक्षकों की नियुक्ति आउटसोर्स आधार तथा 44 लिपिकों के पद कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरे जा रहे हैं। चौधरी ने कहा कि स्थानीय निकायों में सफाई व्यवस्था को बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ शहर योजना आरंभ की गई है, जिसके अंतर्गत सबसे श्रेष्ठ नगर परिषद को 1 करोड़ तथा नगर पंचायत को 75 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शहरी निकायों को सबसे बड़ी चुनौती घरों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों, कारखानों, अस्पतालों से निकलने वाले कूड़ा कचरे को वैज्ञानिक तरीके से ठिकाने लगाने की है, जिसके लिए प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। और मुझे बहुत खुशी है, जब से श्री जयराम ठाकुर जी का अपना ग्रेयर डिस्ट्रिक्ट भी है और पूरे प्रदेश का समान रूप से यहाँ विकास कर रहे हैं, जब से उनके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो सरकार में हैं, लंबे अरसे से राजनीति में रहते हुए मुख्यमंत्री के रूप में आज मंडी और पूरे प्रदेश में शहरी क्षेत्रों की उन्नति को वो प्राथमिकता दे रहे हैं। आज जहां भी जाते हो, जो प्रधानमंत्री जी ने यहां पर शुरू किया है ये कार्यक्रम, हम देखते हैं कि डस्टबिन कहां तक है, हमें स्मार्ट कहां पे रहना होगा। इस देश को स्मार्ट नंबर वन रहने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो साख आज मोदी जी ने बढ़ाई है, वो सारी चीजों में अच्छा रखते हुए भारत कैसे प्रथम पंक्ति में आके खड़ा हो उसकी चिंता की और 100 स्मार्ट सिटीज की बात पूरे देश में रखी। मैं सौभाग्यशाली हूं कि हमारे यहां पर धर्मशाला और शिमला को ये सौभाग्य मिला, छोटा सा प्रदेश है, नामक एक पुरस्कार योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ नगर परिषद को 1 करोड़ और नगर पंचायत को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है, कैबिनेट में भी इसकी स्वीकृति प्राप्त होने पर ही शीघ्र ही नोटिफाई हो जाएगा।